की में नहीं मिल रहा ठीक से भोजन, कभी सब्जी मिलती है तो कभी दाल, आखिर क्यों किया जा रहा है बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार? यह सूचना मिलते ही हमारी न्यूज टीम स्कूल पहुंची। हमें वहां के प्रधान अध्यापक ने बताया कि हमारे यहां तो सब ठीक से भोजन मिल रहा है, परंतु हमने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से पूछा तो उसने हकीकत बयां कर दी। जब हमने पुनः बात की तब उन्होंने बताया कि मुझे टाइम नहीं मिला देखने का कि बच्चों ने क्या खाया है क्या नहीं। आप ही बताइए, 3 कमरों में प्रधान अध्यापक कितने व्यस्त हो गए थे कि उनको बच्चों में पड़ा थाली का निवाला तक नहीं दिखा कि बच्चों को क्या मिला है क्या नहीं। जो भी हो, आखिर पैसा किसकी जेब में गया है? जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, मैं ध्यान नहीं दे पाया, हमने क्लासरूम में देखा, वहाँ भी बच्चों के बैठने की बेंचों पर गेहूं की बोरियां रखी है। इनका जवाब भी उनके पास नहीं था। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। बेटा तेरा? मंगलदास। तुम कहाँ के रहने वाले? पालकी का। पालकी। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? सातवीं में। आज मध्याह्न भोजन तुमको मिला, खाना मिला, उसमें क्या क्या मिला बेटा? ये चना की दाल। हाँ, चने की दाल। वो चने आते ना, चने की सब्जी। हाँ, चने की सब्जी। हाँ, उसमें टमाटर। हाँ, और आलू। हाँ, और रोटी। अच्छा, तो बेटा उसमें आज जो दाल मिलनी थी, तुअर की दाल मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली ना। ठीक है। कब से नहीं मिल रही तुमको? हमेशा मिलती है क्या? हाँ, कभी कभी मिलती है। अच्छा, कभी 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 मतलब नहीं देते? शनिवार को मिलती है। अच्छा, वो अभी जैसे खीर पूड़ी वाला होता है तो दूध मिलती है? क्या कारण रहा था आपने जो ध्यान नहीं रख पाए थे उसको? अच्छा सर, दूसरी बात, चलो ठीक है, आपके बात मानते हैं, आप ध्यान रखते हैं। आज जो शेड्यूल में बना उसकी एंट्री भी आप ही करते हैं खाने की, कि कितने बच्चों ने खाना खाया? कम बच्चों ने खाना खाया। कम कहे ना तो, पर सर एक बात बताइए कि आपने उसमें जो मेन्यू में आपने आज के मेन्यू में लिखा कि दाल नहीं मिली, नहीं बन पाई? लिखेंगे ना। आप अभी आपने अभी तक क्यों नहीं लिखा सर ये चीज़? मतलब आप इतने व्यस्त है कि आपको मालूम ही नहीं बच्चों ने क्या खाया क्या नहीं खाया? तो सर आपने हमको मीडिया को बताया ना, बोला मेरे तो सब कुछ मिलता हो, तो बच्चे ने अच्छा बता दिया, नहीं तो आप लोग मतलब छुपा ही लेते, मीडिया से भी छुपा रहे थे इस बात तो। सर छुपा ही रहे हो ना आप तो। अच्छा, दूसरी बात सर, ये क्लास में कक्षा छठी जो ये लिखी है ये क्लास, इसमें सर बच्चों की जो मेज पे गेम के ऊपर रखने की एक समस्या ये है कि मेरे यहाँ दो तीन बार ताले टूट चुके हैं इससे। हमें थाने भी गया था, थाने बोले कि आप पहले आपके यहाँ से जो माल मतलब पहले वो बताओ आप, तो ताले टूटना एक अलग चीज है। ये रखा क्यों है? रखा कहीं? ये यहाँ सुरक्षा की वजह से। किसके सुरक्षा का ये मतलब सर की है? किसका ये? आपके पानी में मतलब गीला हो रहा है। अरे है किसके? ये हमारे स्कूल विद्यालय के। कहाँ से आ जाएंगे सर? विद्यालय के तो समूह बना के दे रहे ना खाना। समूह दे रखा तो व्यवस्था सब यही है, भोजन के ही रखा। कहाँ पे? यहाँ कहाँ बनता है सर खाना? किचन नहीं है मेरे यहाँ, एक अतिरिक्त कक्ष है तो उसके अंदर पानी की समस्या। सर बच्चों की टेबल को हटा के आप उस पे मतलब बच्चों को नीचे बिठा रहे हैं? नहीं, बच्चों को नीचे बिठाने का एक रीजन ये है कि छोटे बच्चे हैं, पहले टेबल पे बैठ रहे थे, पहले 3 क्लासों में टेबल थी। अच्छा। पर वो छोटे बच्चों को बैठने में बहुत दिक्कत आती है उसके ऊपर, इसलिए फिर मैंने हटा के दूसरी क्लासों में फर्नीचर को व्यवस्थित करके ना फिर इनके लिए बच्चों के लिए नीचे व्यवस्था करी। सर पर ये मैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये था ना सर कि आज बच्चों को मतलब जो निवाला मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया, मतलब इतनी बड़ी जो भूल हुई है। और सर आपसे पूछ रहे हैं तो आप उसे क्लियर बता रहे हो कि बोले ये बोले बच्चों को सब कुछ बराबर ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों को सब कुछ। समूह वालों से हम पूछ रहे कि भाई आपने क्यों नहीं बनाया, उनको निर्देश देंगे फिर से? वो सर हम आए तो आप पूछोगे, अगर हम नहीं आते तो सर नहीं सर आप नहीं पूछ पाते ना। आप सर आप तो अभी बोल रहे हैं तो अभी आपने अभी बच्चे एक बच्चे ने बताया हमको, एक बच्चे से हमने बाइट लिए मीडिया से चर्चा करी तो उसने बच्चे ने बताया कि यहाँ पे अक्सर ऐसा ही होता है। बताया सर हमारे पास है प्रूफ, हमारे पास तो लोग तो कुछ भी बोल रहे। नहीं बच्चे ने बोला, लोग नहीं बच्चे। एक बच्चे झूठ तो नहीं बोलेगा सर? जो यहाँ पे आपके यहाँ हमेशा आ रहा बच्चा वो झूठ तो बोलेगा, और आपने जिसको बुलवाना पहुँचाया था जो खाना बनाती है वो भी उपस्थित नहीं, वो भी नहीं आ पाया। वो तो खाना बना के तो चले।